क्या आपने कभी तीसरी आंख के बारे में सुना है? जी हाँ, निश्चित तौर पर आपने ये सुना होगा, लेकिन शायद ही कभी देखा होगा। आइए आज हम आपको वो तीसरी आंख भी दिखा देते हैं। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर की बेहद काबिल और होनहार 10वीं क्लास की छात्रा अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर अखबार, स्कूल की किताब या कुछ भी लिखा हुआ बगैर देखे पढ़ सकती है। लिखे हुए अक्षरों को छूकर एहसास कर लेना कि आखिर लिखा क्या है, ये वाकई काबिले तारीफ है। इतना ही नहीं, पैर के पंजों से छू लेने भर से बॉल का रंग बता देना और दुनिया भर की 14 लैंग्वेज को बोलना, ये कोई असाधारण बच्चा ही कर सकता है। शाहजहांपुर सदर बाजार के मोहल्ला खिरनी बाग निवासी पुनित भटनागर पत्नी उपमा और 15 साल की बेटी प्रार्थना और 5 साल के बेटे पवित्र भटनागर के साथ रहते हैं। बेटी प्रार्थना भटनागर 10वीं क्लास की छात्रा है, लेकिन हैरत की बात है कि छात्रा बगैर देखे सब कुछ पढ़ सकती है। छात्रा ने सबसे पहले अपनी दोनों आँखों पर रुई रखी और उसके बाद काली पट्टी बांध ली। कई तरह के अखबार छात्रा को दिए और उसने अखबार के अक्षरों को छू कर ही उसको पढ़ना शुरू किया। जब भरोसा नहीं हुआ तब कुछ विजिटिंग कार्ड दिए, उसको भी छात्रा ने सिर्फ छू कर अक्षरों का एहसास करके ही जैसा लिखा हुआ था उसके एक एक अक्षर को सही तरीके से पढ़ा। इसके बाद अलग अलग रंग के वस्तुओं को उनकी माँ ने छात्रा के पैर के पंजे के नीचे रखा, तब छात्रा ने उसका रंग भी बता दिया। छात्रा प्रार्थना ने बताया कि उसको दुनिया की 14 भाषाओं का ज्ञान है। हालांकि कैमरे पर छात्रा ने अमेरिकी और ब्रिटिश लैंग्वेज को भी बोला। प्रार्थना का कहना है कि वो बड़ी होकर IAS बनना चाहती हैं। छात्रा के पिता पुनित भटनागर 2015 से पहले कई अखबारों में पत्रकारिता कर चुके हैं। उनकी पत्नी इनकम टैक्स विभाग की वकील हैं। पिता ने बताया कि 2015 के बाद वो नौकरी से थक चुके थे, लेकिन कुछ अलग और अपना करना चाहते थे। तब उनको जापान में इजाद हुई मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। ज़्यादा जानकारी जुटाने पर मालूम हुआ कि ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले गुजरात में आई है। टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए 2015 में परिवार के साथ पुनित गुजरात गए। वहाँ उन्होंने और उनकी पत्नी ने ट्रेनिंग ली। उसके बाद खुद की मिड ब्रेन पावर एक्टिवेशन एकेडमी के नाम से कंपनी बनाई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। लेकिन रिसर्च सबसे पहले खुद की बेटी पर किया, जिसमें 3 माह की मेहनत से पूरी तरह से कामयाबी मिली और आज उनकी बेटी साधारण बच्चों की तरह नहीं बल्कि एक जीनियस बच्ची कहलाने लगी है। पुनित भटनागर ने यह बताया कि ब्रेन एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी से साधारण बच्चे को जीनियस बनाया जाता है। दिमागी रूप से बेहद कमज़ोर बच्चों को बगैर देखे पढ़ लेना और बगैर देखे बस किसी चीज़ को छूकर उसका रंग बता देना, ऐसा किसी टेक्नोलॉजी में अभी नहीं हुआ है। विज्ञान के मामले में जापान इसीलिए दुनिया में सबसे आगे है। वहाँ हर बच्चे को कोर्स करना अनिवार्य है। इस टेक्नोलॉजी के जनक जापान के रहने वाले प्रोफेसर मेकेटो चिज़दा हैं। पुनित भटनागर ने बताया कि इस एक्टिविटी में 3 माह से लेकर 7 माह तक ब्रेन को एक्टिवेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार बच्चे के दिमाग पर भी निर्भरता वो कितनी जल्दी ग्रहण कर ले। 1 सप्ताह में 2 दिन कोचिंग होती है। 5 घंटे बच्चे को अपना दिमाग तेज करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से ट्रेनिंग क्लासेस बंद कर दी गई हैं। सरकार से एडवाइजरी जारी होने के बाद फिर से क्लासेस शुरू होंगी। पर्दे पर चमक रही
आदिवासी संस्कृति सी आबादी और जंगलों के लिए मशहूर झारखंड में स्थानीय सिनेमा ने अपने पंख पसारने शुरू कर दिए हैं। यहाँ की संशाली फिल्मों में आदिवासियों की परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। थ्री डॉट्स वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रार्थना भटनागर है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में। किस तरीके से आप यहाँ पे पट्टी बांधकर पढ़ लेते हैं चीज़ों को? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैं इसकी मदद से पढ़ पाती हूँ। इस कॉन्सेप्ट का नाम है मिड ब्रेन पावर एक्टिवेशन एकेडमी, जिसके डायरेक्टर मेरे पापा हैं और मास्टर ट्रेनर मेरी मम्मी हैं। तो कैसे पढ़ते हैं आप? क्या-क्या चीज़ों? इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। हम लोगों को अपने ब्रेन से दिखाई देता है, जैसे नॉर्मल इंसान अपनी आंखों से देख सकते हैं वैसे ही हम आंखें बंद करके अपने ब्रेन से सेम वैसा ही देख सकते हैं जैसा नॉर्मल लोग देखते हैं आंखों से। लेकिन की चीज़ों पहचान लेते हैं, कौन क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, बॉल के कलर्स या फिर कोई भी कलर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आंखों पे पट्टी बांध के, पैर से रीडिंग कर सकते हैं, पैर के अंगूठे से कुछ भी रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर विजिटिंग कार्ड या फिर कोई भी ऐसा कार्ड या कलर सब रीड कर सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो कि नॉर्मल लोग आंखें खोल के करते हैं। कितने दिनों में सीखा आपने ये सब? इसकी पूरी ट्रेनिंग 3 महीने के लिए थी। मैंने कैसे दिमाग में आया था आपको यही करना चाहिए, कैसे दिमाग में आया था? ये मेरे पापा ने इसके बारे में रिसर्च की थी और रिसर्च करने के बाद में उन्होंने मेरे पे एक एक्सपेरिमेंट किया था ये ट्रेनिंग के द्वारा, और जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो मैं ये सारी चीज़ें करने में कामयाब हुई। कितने बच्चे यहाँ सीख चुके हैं ये जो एकेडमी आपकी है? यहाँ पे मोर देन 1000 बच्चे सीख चुके हैं और ऑल इंडिया टाइप है स्कूल्स के साथ में, जयपुरिया ग्रुप जो कि 28 स्कूल है ऑल ओवर इंडिया उनके साथ में फ्रेंचाइजी टाइप है मेरे पापा। क्या फायदे हैं? मैं आगे जाके IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे ये कॉन्सेप्ट के मतलब द्वारा बहुत ही अच्छा फील होता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ जो कि नॉर्मल नहीं है, और ये जो भी है मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है अपनी स्टडीज़ को लेके, और मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता अपनी स्टडीज़ को लेके, मुझे सब बहुत ही जल्दी समराइज़ हो जाता है, याद हो जाता है। क्या आगे भी आप और बच्चों को सिखाएंगी जो आपके अंदर हुनर है, क्या आगे और लोगों में से के साथ बांटेंगी? जी हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसका पर्पस ही यही है कि ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ब्रेन को डेवलप करती है। गुजरात जाके इस पे रिसर्च किया पहले, फिर गुजरात जाके इस टेक्नोलॉजी को लेके आए, हायर किया, सबसे पहले उन्होंने ही हायर की ये टेक्नोलॉजी, और उसके बाद शाहजहाँपुर में काफ़ी स्टेप्स के बाद इसको स्टार्ट कर लिया, और हमने मास्टर ट्रेनिंग की वहीं पर गुजरात में ट्रेनिंग की और अपना कॉन्सेप्ट यहाँ स्टार्ट कर दिया। वैसे आप क्या करती हैं? वैसे मैं इनकम टैक्स एडवोकेट हूँ, GST देखती हूँ और यहाँ की फर्स्ट लेडी एडवोकेट हूँ, और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, हमारे घर में इतनी अच्छी बेटी है, हमारे लिए प्राउड की बात है। एकेडमी में कितने आते हैं बैच में? अभी तो कोरोना की वजह से बंद चल रहा है, जो हमारा बैच चल रहा था हमारा 30 स्टूडेंट्स का बैच हम फुल कर देते हैं, उसके बाद 31st हम, ये हमारे कॉन्सेप्ट की एक ऑथेंटिक चीज़ है क्योंकि फिर हम उतना फोकस बच्चों को दे नहीं पाते, क्योंकि एक चीज़ की एक कैपेसिटी है तो हम उस कैपेसिटी तक ही उसको देंगे। इससे एक्सेंट्स को ऐड करते हुए मुझे 14 लैंग्वेजेस आती हैं, और बाकी जो ब्रिटिश अमेरिकन कोस्ट आरपी रिसेप्ट प्रोनाउंसिएशन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट ऑफ इंग्लिश भी होता है सब। क्या मैं बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ये मेरा मेन एम है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो छात्रा जो कुछ साल पहले तक एक साधारण बच्चों की तरह थी, लेकिन आज वो एक जीनियस छात्रा बन गई है। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive 24 News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।